कौन है पंजाब के गेंदबाजों का भूत बनाने वाले 20 साल के नीतीश रेड्डी, हार्दिक पांड्या और बेन स्टोक्स से है कनेक्शन। मयंक अंगक्रिस के बाद एक और खिलाड़ी की आई दर्दनाक कहानी, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों से आ जाएंगे पानी। 20 लाख के खिलाड़ी ने किया 20 करोड़ का काम, आईपीएल के दूसरे ही मैच में जड़ दिया तूफानी अर्धशतक, खुशी से झूम उठी काव्या मारन। दोस्तों, आईपीएल 2024 में एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं। आप लोगों को हर एक मैच में कोई ना कोई भारतीय अनकैप्ड सितारा देखने को जरूर मिलेगा। हर एक मैच में कोई ना कोई भारतीय खिलाड़ी अपने बल्लेबाजी से या फिर अपने गेंदबाजी से विरोधी टीमों के खूब छक्के छुड़ा रहा है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलने वाले सिर्फ 18 साल के अंगक्रिस रघुवंशी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीतने का काम किया था। अंगक्रिस रघुवंशी ने उस मैच में शानदार हाफ 50 जड़ा था, जिसके बाद शाहरुख खान भी अंगक्रिस रघुवंशी के सम्मान में जोर जोर से तालियां बजाने पर मजबूर हो गए थे। उसके कुछ दिन पहले ही दोस्तों आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि सिर्फ 21 साल की उम्र के मयंक यादव ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से विरोधी टीम के बल्लेबाजों के कई स्टंप तोड़ दिए थे। मयंक यादव की 155 से भी ज़्यादा की स्पीड वाली गेंदों का सामना करना विरोधी टीम के बल्लेबाजों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा था। आईपीएल 2024 में मयंक यादव की घातक गेंदबाजी देखने के बाद हर कोई यही बोल रहा है कि मयंक यादव को तो आने वाले T20 के वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिलना चाहिए। दोस्तों, और अब बीती रात खेले गए पंजाब और हैदराबाद के बीच महामुकाबले में हैदराबाद की तरफ से खेलने वाले सिर्फ 20 साल की उम्र के नीतीश रेड्डी ने भी अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी हिंदुस्तानियों का दिल जीतने का काम किया। यहां तक कि BCCI के चयनकर्ताओं का भी दिल जीतने का काम किया है। इस मैच में हैदराबाद के बल्लेबाज, एक तरफ जहां हैदराबाद के सभी बड़े से बड़े बल्लेबाज पंजाब के गेंदबाज के सामने आसानी से हथियार डाल दिए थे, क्या हेनरी क्लासेन, क्या ट्रेवी सीट, क्या अभिषेक शर्मा, क्या एडन मकरम, यह चारों बल्लेबाज पंजाब की गेंदबाजी के सामने बुरी तरह से आउट हो गए थे, जिसके बाद ऐसा लगने लगा था कि हैदराबाद की टीम इस मैच में पंजाब के सामने 150 रन का स्कोर भी नहीं खड़ा कर पाएगी। लेकिन तभी आते हैं 20 साल की उम्र के नीतीश रेड्डी मैदान में आते ही पंजाब के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं। यहां तक कि हरप्रीत बरार के एक ही ओवर में 22 रन लूट लेते हैं। दोस्तों, नीतीश रेड्डी ने इस मैच में सिर्फ 37 गेंदों का सामना करते हुए 64 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। इस दौरान नीतीश रेड्डी के बल्ले से 5 लंबे लंबे छक्के भी देखने को मिलते हैं, तो वहीं पर नीतीश रेड्डी के बल्ले से 4 चौके भी देखने को मिलते हैं। जिसने नीतीश रेड्डी की बल्लेबाजी को आज देखा है, हर कोई नीतीश रेड्डी की जमकर तारीफें कर रहा है। नीतीश रेड्डी द्वारा खेली गई सिर्फ 37 गेंदों पर 64 रनों की तूफानी पारी की बदौलत ही हैदराबाद की टीम ने पंजाब को उनके ही घर में 2 रनों से हराने में कामयाब हो पाती है। लेकिन दोस्तों, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर यह 20 साल का नीतीश रेड्डी कौन है, जिन्होंने क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर अपने दूसरे ही आईपीएल के मैच में तबाही मचाते हुए सभी का दिल जीतने का काम किया है। दोस्तों, नीतीश रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था। उन्हें आईपीएल 2023 के ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने उनके बेस प्राइस यानी कि 20 लाख रुपए में खरीदा था। नीतीश रेड्डी डोमेस्टिक क्रिकेट में आंध्र प्रदेश के लिए खेलते हैं और उन्हें भारतीय क्रिकेट में पहचान तब मिलनी शुरू हुई जब 2018-19 में वीनू माकंड अंडर 19 टूर्नामेंट में आंध्र प्रदेश के लिए 3 नंबर पर बल्लेबाजी करनी शुरू की थी। वहीं उन्होंने आंध्र प्रदेश की सीनियर टीम के लिए भी 3-4 नंबर पर बल्लेबाजी करनी जारी रखी। इसके साथ ही उन्होंने गेंदबाजी पर भी काम करना जारी रखा, इसलिए उन्हें बल्लेबाजी ऑलराउंडर के रूप में देखा जाता है। एक बल्लेबाजी ऑलराउंडर होते हुए नीतीश रेड्डी हार्दिक पांड्या और बेन स्टोक्स को अपना आदर्श मानते हैं। नीतीश रेड्डी ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 में आंध्र प्रदेश के लिए खेलते हुए 7 मैचों में 366 रन बनाए थे, जिनमें नीतीश के बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक की पारी भी शामिल रही। नीतीश रेड्डी को 2017-18 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भी लाजवाब प्रदर्शन के BCCI ने अंडर 16 जगमोहन डालमिया अवार्ड से भी सम्मानित किया था। दोस्तों, नीतीश रेड्डी ने अभी तक अपने करियर में 8 T20 मैच खेलकर 106 रन बनाए हैं। दूसरी ओर लिस्ट ए करियर की बात करें तो उन्होंने 22 मैचों में 403 रन बनाने के अलावा 14 विकेट भी लिए हैं। फर्स्ट क्लास करियर की बात की जाए तो अभी तक नीतीश रेड्डी के नाम 17 मैचों में 566 रन दर्ज हैं और साथ ही 52 विकेट भी चटका चुके हैं। आईपीएल 2023 में भी उन्हें 2 मैच
खेलने का मौका मिला था, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। मगर आईपीएल 2024 के दूसरे मैच में उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने आईपीएल करियर की पहली 50 लगाई, जिसकी तारीफें आज पूरे हिंदुस्तान में करी जा रही है। हर कोई यही बोल रहा है कि नीतीश रेड्डी आने वाले टाइम का भारतीय सितारा है, जो कि क्रिकेट में काफ़ी टाइम तक रहने वाला है। खैर दोस्तों, आप लोगों को नीतीश रेड्डी की बल्लेबाजी कैसी लगी? अगर आप लोगों को भी नीतीश रेड्डी की बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए।